वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम मार्च और अप्रैल मंथ के गवर्नमेंट जॉब्स के जो नोटिफिकेशन निकले हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, उन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा उनकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और अप्लाई ऑनलाइन करने का। ठीक है, एक पॉइंट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट और आपके आसपास के लोग भी आपको बाहर जाने के लिए मना कर रहे होंगे, बिकॉज कोरोना वायरस को फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और वो सही भी कर रहे हैं। और मैं भी आपको कहता हूँ कि आप बाहर मत जाइए। इसी रीज़न की वजह से ऑलिव बोर्ड जो है वो आपके लिए कोर्स लेके आया है घर पे कोचिंग के नाम पे। ये टोटली फ्री कोचिंग है, फ्री क्लासेस है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट जो लिंक होगी ना वो इसी कोर्स की होगी। आप उस पर क्लिक करिएगा, इनकी वेबसाइट पर जाओगे, रजिस्टर नहीं किया रजिस्टर करिए, लॉगिन करना है लॉगिन करिए। ऐप पहले से है, मैं तो कहूँगा ऐप ही डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपके पास एक पेज खुल जाएगा, जब आप लॉगिन कर लोगे या रजिस्टर कर लोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा नीचे जाओगे कोर्सेज के अंदर, वहां पे आपको दिखेगा घर पे कोचिंग, उसके ऊपर फ्री भी लिखा होगा। इसके अंदर बैंकिंग के तो सारे कवर्ड हैं, एसएससी के भी और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपके इसके अंदर कवर्ड है, जो कि टोटली फ्री है। 19 मार्च से आपको इसका स्टार्ट हो जाएगा क्लास और आप इसको अवेल कर सकते हो। इसके अंदर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए हर एक चीज़ें दी गई हैं, तो आप ज़रूर इसको ऑप्ट करिए। कोचिंग फिलहाल अवॉइड करिए एटलीस्ट 10-15 दिन तक, और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बुक के बारे में भी मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर देता हूँ, जो कि डेफिनेटली एक मस्ट बाई है 2020 के अंदर। बहुत सारे लोग इस बुक को रिकमेंड कर चुके हैं और मैं भी करता हूँ। 170-180 रुपए की आपकी बुक है, द मेगा ईयर बुक, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड लिंक जो है आपकी इसी बुक की होगी, कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। बहुत ही अच्छी बुक है, इसके अंदर डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, आपको ऐवी चीज़ें नहीं समझाई गई हैं, और पूरे के पूरे आपके इस साल जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सब के अंदर वो बुक रिलेवेंट है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है, आपके एग्जामिनेशन फोकस्ड वो बुक है। ठीक है, बुक बहुत पतली है, इतनी पतली बुक है, और पूरे के पूरे साल का उसके अंदर जीके जनरल अवेयरनेस की चीज़ें भी दी गई हैं, तो एक डेफिनेटली मस्ट बाई वो बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम अपने वीडियो के अंदर आते हैं और देखते हैं आज के जॉब्स के नोटिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले जॉब को देखते हैं। सबसे पहले जॉब है BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर। इसके अंदर आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट और ओकेजनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है। इस पोस्ट के अंदर आपकी कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, यानी कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी एंट्री इसके अंदर होगी। ठीक है, 16 मार्च को इसका फॉर्म निकल चुका था और 15 अप्रैल यानी 15/4/2020 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 50 रुपये फ़ीस है, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए इसके अंदर 200 रुपये फ़ीस है। और इसकी बात करें तो आप इस देश के कहीं के भी नागरिक हो, आप इसके अंदर इस फॉर्म को भर सकते हो। बट इसके अंदर प्रॉब्लम एक ही है कि आप SC/ST/OBC के सर्टिफिकेट वाले जो भी आपके रिजर्वेशन है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी से ही भरना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 साल से लेकर के 37 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल्स की बात करें तो 21 साल से लेकर के 40 साल तक के फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकती हैं। टोटल आपकी इसके अंदर 303 पोस्ट है, जो कि आप इन तीनों पोस्ट के अंदर डिवाइडेड है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की 91 पोस्ट है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फूड टेक्नोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन यानी इंजीनियरिंग हो या फिर BSc हो। इसके बाद आपका डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर 126 पोस्ट है, डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी पोस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके अंदर 86 पोस्ट है। इसके अंदर जो एजुकेशन में रिक्वायरमेंट है वो है डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ये आपकी इसके अंदर टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा आपके मार्क्स के ऊपर, जो भी आपके इसके अंदर मार्क्स आए होंगे ग्रेजुएशन के अंदर, उसको 70% आपके जो सिलेक्शन है उसको माना जाएगा कि उसी से होगा। ठीक है, इसके बाद अगला 10% जो सिलेक्शन है वो आपके हायर डिग्री के ऊपर होगा। हो सकता है किसी के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो किसी के पास, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो उसको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद अगले 20 मार्क्स जो हैं वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो हर 6 मंथ पे आपको 2 मार्क्स ऑफर किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 70 मार्क्स परसेंटेज के ऊपर, डिग्री के ऊपर। उसके बाद आपके 10 मार्क्स, आपके पास अगर हायर डिग्री है तो 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद जो आपको 20 है यहाँ पे वो आपको मिलेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो टोटल 100 मार्क्स ये होंगे, पेपर नहीं देना, इस हिसाब से आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा। तो 15 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा UGC नेट का फॉर्म निकल चुका है आपका। ये आपका बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट कह लीजिए या फिर एक स्कोर कह लीजिए, ये आपको लेना पड़ता है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मन है, PhD करने का मन है, या JRF जिसको कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो आपको करने का मन है, तो वो इसी के थ्रू होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो प्लस आपके 55% मार्क्स से ज़्यादा हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इसके डेट्स देखते हैं। 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए और 16 मार्च को इसका फॉर्म आपका आउट हो चुका था। इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 15 से 20 जून तक आपका इसका एग्जामिनेशन होगा। ये साल में 2 बार होता है और इसका जो स्कोर होता है वो आपका 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास, आप एग्ज़ाम देते हो, आपको एक स्कोर हो मिल जाता है, आपको सपोज 80% 90% जो भी आपका स्कोर है आपको मिला, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वहाँ पे नौकरी करनी है। कई बार पोस्ट निकलती है कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी निकली है, नेट का स्कोर वहाँ पे, बिना नेट के स्कोर के आपको नौकरी नहीं मिल सकती किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर। तो ये स्कोर आपका तब काम आता है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए। आपका जो स्कोर है 2 साल तक वैलिड होता है, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हो, इसमें टेंशन मत लीजिए, आंख बंद करके अप्लाई करिए। हाँ, इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस है वो काफ़ी हाई है। जनरल के लिए आपकी 1,000 रुपये है, जो पहले 800 हुआ करती थी। उसके बाद OBC के लिए 500 रुपये है और बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपये है। और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 1,000 रुपये का ही आपको भरना पड़ेगा या अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं। ये है हमारा BSSS की, यानी बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अंदर अकाउंट्स के रिलेटेड काफ़ी नौकरियां निकली हैं। इसको भी मैं पहले बता देता हूं कि आप इस देश के कहीं के भी नागरिक हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बस आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर इस टाइप के जो भी आपके कैटेगरीज हैं, रिलैक्सेशन हैं, इनको आप अवेल नहीं कर सकते, आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेट की। तो 17 मार्च को इसका फॉर्म आउट हो चुका था और 7 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और जो इसके एग्जामिनेशन आपके होंगे वो मई में कह रहे होंगे, बट मुझे लगता है जून तक इसके एग्जामिनेशन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एक फॉर्म है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो 150 रुपये है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड का, और जनरल OBC का आपका 300 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके अंदर आप बात करते हैं एज क्राइटेरिया का। एज क्राइटेरिया इसके अंदर पहले के जैसा ही है, 21 साल से लेकर के 37 ईयर्स तक मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 21 साल से लेकर के 40 साल तक फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं हम। सबसे पहले बताता हूँ कि टोटल 54 इसके अंदर आपकी पोस्ट है, जो कि 4 डिफरेंट टाइप के पोस्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका अकाउंट ऑफिसर, इसके अंदर आपके पास 3 पोस्ट है। इसके अंदर आपके पास जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो है मास्टर डिग्री MCOM, इसके अंदर आपको चाहिए। साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए टैली का। इसके अंदर जो आपकी सैलरी है वो लगभग 50,000 के बराबर है। और इसके साथ ही इसके अंदर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी फर्म के अंदर या फिर किसी सरकारी कंपनी के अंदर, PSU के अंदर 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो 5 साल का ऐसे भी एक्सपीरियंस लेटर बन जाता है किसी भी ठीक ठाक इंस्टीट्यूट का। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, अगर आपके क्वालिफिकेशन MCOM है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट की। ये टोटल 2 पोस्ट है। इसके अंदर सैलरी आपकी होगी 25,000 रुपये। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, BCOM ऑनर्स कुछ भी है, आपके पास कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएशन डिग्री अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर आपको टैली की नॉलेज भी होना ज़रूरी है, यहाँ कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब हम इसके अंदर नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेट। इसके अंदर टोटल आपके पास 12 पोस्ट है। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? तो कोई भी ग्रेजुएट जिसकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 25 वर्ड्स पर मिनट है 80% एक्यूरेसी के साथ, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर सैलरी आपको मिलेगी 20,000 रुपये। इसके अंदर भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बस टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए 20 वर्ड पर मिनट हिंदी, 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। ये आपकी होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अंदर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 मार्क्स का एक ही पेपर होगा, कोई प्रीलिम्स और मेंस का चक्कर नहीं होगा। 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, जो पास करेगा उसको टाइपिंग स्पीड देनी है, टाइपिंग टेस्ट देना है, उसके बाद उसकी नौकरी लग जाएगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा ईस्टर्न रेलवे के अंदर एक्ट अप्रेंटिस। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट की। डेट की बात करें तो 4 अप्रैल 2020 इसकी आखिरी डेट है। आप तब तक इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई भी एग्जामिनेशन आपका नहीं है। जो इसके अंदर सिलेक्शन है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के परसेंटेज के ऊपर होने वाला है और कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होगा। अब हम वापस नोटिफिकेशन पे आते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है किसी के लिए भी। इसके बाद बात करें एज क्राइटेरिया की तो 15 साल से लेकर के 24 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस देश के कहीं के भी रहने वाले हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने अपने पोस्ट हैं। जैसे हुआरा डिस्ट्रिक्ट में 659 पोस्ट है। वैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कितने पोस्ट हैं, उसी के हिसाब से इसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा। आपको एक डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर 2 तरीके का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एक है इसके अंदर 8th पास और 10th पास। कुछ पोस्ट है जो 8th पास के लिए है, कुछ पोस्ट है जो 10th पास के लिए है। 10th हो चाहे 8th हो, आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर ITI का सर्टिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है और 50% मार्क्स 10th में होने कंपलसरी हैं। अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 50% से कम है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी एग्जामिनेशन के आप अप्रेंटिस बन सकते हैं। तो ये थी इसकी डिटेल्स। अगर आपको इसको अप्लाई करना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे ऐप के बारे में आपको पता ही है, नोवर निखिल ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करिए, वीडियो से पहले ही वहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको पता चल जाता है। कौन सी जॉब्स आई है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अप्लाई करने के लिंक, नोटिफिकेशन, हर चीज़ वहाँ पे होता है। थोड़ा सा लेट आता है बिकॉज हर एक चीज़ वेरीफाई करके वहाँ डाला जाता है, कोई भी फेक जॉब नहीं डाला जाता। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पोस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा एक PSU का, नायडी लाइट नाइट कॉरपोरेशन का। ये आपका 9 रत्न कंपनी यानी भारत सरकार की 9 सबसे बड़ी कंपनियों के अंदर है। इसके अंदर आपका एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी नौकरी है। और नॉर्मल नौकरी जो आपकी होती है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, उससे ऊपर लेवल की नौकरी है। तो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन भी इसके अंदर थोड़ी सी हायर है। सबसे पहले डेट्स की बात करें तो 18 मार्च को इसका फॉर्म निकल चुका था, 17 अप्रैल इसका आखिरी डेट है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी के लिए 850 है और आपका SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 350 है। इसके अंदर आपके टोटल 259 वैकेंसीज है, जो टोटल 10 डिफरेंट टाइप के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिवाइडेड है। मोस्टली सारे की सारी BTECs के लिए ही है, इंजीनियर्स के लिए ही है, ठीक है। और इसके अंदर 256 में 125 पोस्ट सबसे ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है। तो जिनकी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास पार्ट टाइम, रेगुलर, कोई भी डिग्री हो, कोई भी अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। और यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो 8 इसके अंदर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, कुछ सिविल की है, कुछ इलेक्ट्रिकल की है, कुछ कंप्यूटर की है, तो ओबियसली BTECH या BEU इंजीनियरिंग आपकी कंप्यूटर में हो, सिविल में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा पूरी की पूरी 8 की लिस्ट की किसकी कौन सी डिग्री होनी चाहिए। बट मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि 8ों की 8ों BTECH के डिग्री में आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मिनिमम 60% मार्क्स आपको यहाँ पे लाने ज़रूरी हैं। और SC ST स्टूडेंट जो हैं उनको 50% मार्क्स लेके आएंगे तो भी काम चल जाएगा। ये 8 पोस्ट हो गई। अब बाकी बची 2 पोस्ट, 2 आपके डिफरेंट पोस्ट है। एक है फाइनेंस की पोस्ट, फाइनेंस को अप्लाई कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, दोनों में से कोई भी एक है। फाइनल ईयर सारा आपका जो फाइनल के 2 पेपर है सब कुछ पास होना चाहिए तब। तो आपने CA या CMA अगर नहीं किया है तो आपको MBA की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर आपने MBA किया है प्रॉपर 2 साल का तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट परसेंटेज का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है 60% है, 50% यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए है,
ठीक है। अब यहाँ पर एक कैच है, जिसने MBA किया है और उसके फाइनल दो सेमेस्टर के अंदर या फिर फाइनल ईयर के अंदर, अगर ईयर के हिसाब से है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, अगर था तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो MBA फाइनेंस तो कर ही सकता है, बाकी आप देख लीजिए, अगर आप में था तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है हमारा HR, यानी MBA HR ह्यूमन रिसोर्स का यहाँ पर आपकी पोस्ट है। इस पोस्ट के अंदर कोई भी ग्रेजुएट प्लस अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है HR के अंदर है, यानी MBA HR हो आप, आपके पास सोशल वर्क, लेबर मैनेजमेंट, लेबर लॉ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कौन कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपकी HR में 10 और ऊपर फाइनेंस में 9 पोस्ट थी, तो अगर आपने ऊपर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज की बात करें तो 30 इयर्स आपके मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए 33 इयर्स यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। इसकी सैलरी की बात करें तो 60,000 पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी। और यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूँ तो बहुत ही इजी एग्जामिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन आपको देना है। तो इसके अंदर आपके 40 मार्क्स का पेपर पहला हो गया, जिसके अंदर आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और आपका GK का पेपर होगा। इसके बाद आपका 80 मार्क्स का एक पेपर होगा, पेपर टू, ये दोनों एक साथ ही होगा, पेपर वन और पेपर टू, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। जो ये 80 मार्क्स का पेपर टू होगा, इसके अंदर आपके स्पेसिफिक फील्ड के क्वेश्चन होंगे, फाइनेंस वाले को फाइनेंस के, बीटेक सिविल को बीटेक सिविल के, बीटेक मैकेनिकल को बीटेक मैकेनिकल के। 80 क्वेश्चन आपके फील्ड के होंगे, 40 क्वेश्चन मिक्स होंगे जो मैंने आपको बताया, तो टोटल 120 क्वेश्चन होगा। 2 घंटे की आपकी टाइमिंग होगी, कोई भी इसके बाद आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस एक एग्जामिनेशन से आपकी नौकरी यहां पे लग जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं, जो कि आपके BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर आपके साइंटिस्ट की और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल 200 पोस्ट है इसके अंदर, ये भी आपकी BTech की ही पोस्ट है। इसके अंदर 11 डिफरेंट तरीके के BTech के हैं, अगेन मैं आपको लिस्ट स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि किस टाइप के BTech में कितने पोस्ट है, और उसी की डिग्री भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। हाँ बताऊँगा भी रिक्वायरमेंट क्या है, कि उसी की डिग्री यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन के अंदर और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको और नहीं है। इसी से आप यहाँ का आइडिया लगा लीजिए। इसकी डेट की बात करूँ तो 31 मार्च 2020 इसका आखिरी डेट है, डेट पास है तो जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई कर दीजिए। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी बहुत कम है, मात्र 100 रुपये है, और इसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया है वो भी 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं। बीटेक मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी डिग्री की लिस्ट है उसमें आपका बीटेक होना चाहिए या फिर BE होना चाहिए, प्लस आपका गेट का स्कोर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन भी नहीं लेंगे, ना प्रीलिम्स ना मेंस, कुछ भी नहीं, बस आपके गेट के स्कोर और इंजीनियरिंग के मार्क्स को लेकर के आपको ये नौकरी पे रख लेंगे। तो डेफिनेटली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने गेट के दिए हैं पेपर, गेट का स्कोर उनके पास है और उन्होंने बीटेक किया है, तो ये एक डेफिनेटली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म्स निकले हैं, एम्स के अंदर फैकल्टी की निकली है, जिसके अंदर MBBS प्लस PG जिसने किया है वो अप्लाई कर सकता है। 8 अप्रैल आखिरी डेट है। उड़ीसा के अंदर आपकी उड़ीसा सबऑर्डिनेट कमीशन के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, जूनियर असिस्टेंट की, इसका भी आपका 8 अप्रैल आखिरी डेट है। 12th लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप मेरे ऐप में तो इन सब चीज़ों को चेकआउट बिल्कुल भी कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।